या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله। مدنی چینل کے ناظرین, आज जो हमारे मदनी मुकालमा है वो भी गमखारी पर मबनी है, यानी गमखारी का मज़मून है। हमारे मुबल्लिगीन सैलाब जदगान की तरफ भी गए और इनके साथ गमखारी की, इनके साथ ईद मनाई और खाने वगैरह का सिलसिला भी इनके साथ जारी रहा। इसके अलावा IDPs जो हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो मुतासिरीन हैं, इनके पास भी जाना हुआ और जेल में भी हमारे इस्लामी भाई गए और कैदियों के साथ भी इन्होंने ईद गुजारी। ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा तबका है कि जो बाज़ अपनों से काफ़ी दूर हैं, बाज़ उजर चुके हैं, उजरे हुए हैं, बड़े हाजत मंद हैं और काफ़ी परेशान हाल भी हैं। इन्होंने पिछले साल हो सकता है कि बड़ी मुख्तलिफ अंदाज से ईद गुजारी हो। इनका घर, इनका ख़ानदान, इनके पास इनके कुर्बानी के जानवर, हो सकता है घर में दावत वगैरह का भी सिलसिला रहा हो, लेकिन आने वाले सैलाब ने इन्हें कहाँ के कहाँ पहुँचा दिया। इनके घर बहा कर ले गए, इनके खेत बह गए और बहुत कुछ इनका नुकसान हुआ। तो इंशाल्लाह ताला इनकी कुछ हमारे पास जो वीडियोस हैं, सब तो नहीं है, जो वीडियोस हैं हमारे पास IDPs के हवाले से जो हमारे पास वीडियोस आई हैं, इसी तरह जेल में जो हमारे पास वीडियोस आई हैं, वो इंशाल्लाह ताला हमारे आज के सिलसिले में हम आपको दिखाएंगे। और साथ साथ इंशाल्लाह आज के सिलसिले की हमने खसूसियत ये भी रखी है कि एक गोया के इज्तिमाई ज़िक्र नात वाला भी सिलसिला रहेगा, नाते भी सुनते सुनाते रहेंगे, आपकी कॉल्स भी लेनी है, आपके सवालात हों, आपके एहसासात हों, आपके जज्बात हों, वो भी लेने हैं। एक बार फिर मैं उन तमाम तराशिकाने रसूल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपने अपने यहाँ होने वाली कुर्बानी की खालें दावत इस्लामी को दी, ना सिर्फ बाबुल मदीना बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी को आशिकान रसूल ने अपने यहाँ होने वाले कुर्बानी के जानवर की खालें दी हैं। यकीनन ये भी एक दावत इस्लामी के मदनी माहौल के साथ आपका एक भरपूर तआवुन है, एक भरपूर हिस्सा आपने मिलाया है। अल्लाह ताला आप सबको इसकी जजाए खैर अता फरमाए। जिस तरह आपने कुर्बानी की खाले देकर दावत इस्लामी के साथ तआवुन किया, अपना हिस्सा मिलाया, इसी तरह मेरी मदनी इल्तिजा है कि अब आप ख़ुद अपने आप को भी दावत इस्लामी के मदनी कामों में शामिल कीजिए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से क़ियामत के रोज़ मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पड़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए ज़रा मिलकर कुछ नातिया अंदाज में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नियतुल मोमिन खैरु मिन अमलिही, मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। अच्छी अच्छी नियतें कर लीजिए। अव्वल तो आखिर सिलसिले में शामिल रहेंगे। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करने की भी नियत कर लीजिए। हसब मौका अज़्ज़ व जल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रहमतुल्लाह तआला अलैह कहने की भी नियत कर लीजिए। मैं भी नियत करता हूँ इलाह कलिमतुल हक, यानी अल्लाह ताला का कलीमा बुलंद करूँगा, नेकी की दावत दूँगा, बुराई से मना करूँगा। हदीस पाक दीन व नसीहा दीन खैर ख्वाही का नाम है। इस रिवायत पर भी अमल करने की नियत करता हूँ। आइए सबसे पहले आपको वो वीडियोज़ दिखाता हूँ जो हमारे रुकन शूरा रफ़ी भाई, ये हमारे वहाँ गए सैलाब जदगान, और उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह इनका बड़ा एक ख़ूबसूरत सिलसिला रहा। इनके मदनी मुन्नों के साथ भी वो शामिल रहे, बड़ों के साथ भी शामिल रहे, नेकी की दावत का सिलसिला भी रहा। इसकी वीडियोस देखते हैं। वीडियोस देखने के बाद इंशाल्लाह रफ़ी भाई को हम अपने साथ लाइन पर लेंगे और इनसे भी कुछ उस वहाँ के अहवाल लेंगे कि अब सैलाब वालों की क्या पोजीशन है। आइए देखते हैं पहले सैलाब जदगान के साथ होने वाले गमख्वारी और खैरख्वाही का मंजर। ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा आई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा आई है। ईद लाई मोमिनो ईसार का पैगाम गे, ईद लाई मोमिनो ईसार का पैगाम है, ईद कुर्बा बिल्यकी अल्लाह का इनाम है, ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा आई है, ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा कुर्बाई है, ईद कुर्बा आई है। مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم امن تذا كل جيران بذي سلام ما زدت دم عن جرام مقلت بدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محبات الريح من تلقائك ظيمات أو ما ضل برق في الظلماء من إظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت اكفوفا هامات وما لقلبك إن قلت استفيق ياهيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ايحسب صب ان الحب منكتم ما بين منسجم منه ومطارم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे
قربان قربائی ہے عید قربان آئی ہے عید قربان قربائی ہے عید قربان قربائی ہے عید قربان قربائی ہے عید قربان آئی ہے عید لائی مومنوں ایثار کا پیغام ہے عید لائی مومنوں ایثار کا پیغام ہے عید قربان بالیقی اللہ کا انعام ہے پہلا کلمہ شریف کس کو آتا ہے بھائی اس کو عید ہی دیں گے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا کلمہ طیب طیب یعنی پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاء اللہ سبحان اللہ عید قربان قربائی ہے عید قربان قربائی ہے عید قربان قربائی ہے عید قربان آئی ہے عید قربان قربائی ہے عید قربان قربائی ہے عید قربان قربائی ہے عید قربان آئی ہے اس وقت دعوت اسلامی کا یہ مدنی قافلہ شور کوٹ کے اطراف حسو والی میں ہم حاضر ہیں یہاں سیلاب کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیلاب کی یہاں تباہ کاریاں ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ عید منانے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں چونکہ یہ غمزدہ ہیں ان کے بچے پریشان ہیں تو ظاہر ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ان کے غم میں شریک ہونا ہمیں چاہیے تو اسی جذبے کے پیش نظر دعوت اسلامی کے بلغین مختلف ایسے مقامات پر گئے ہیں جیلوں کے اندر بھی گئے ہیں اور بھی کئی مقامات پر گئے ہیں اور ہمارا یہ مدنی قافلہ جو ہے یہ آپ کے یہاں حسو والی میں حاضر ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ عید منانے کے لیے انشاءاللہ آپ کے لیے راشن کا اہتمام بھی ہے اللہ نے چاہا تو دعوت اسلامی جس طرح دیگر مسلمانوں کی مدد کر لی ہے انشاءاللہ آپ کی بحالی کے لیے کوشش کی جائے گی انشاءاللہ عزوجل ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سیلاب زدگان اسلامی بھائیوں کی اس کیفیت کو ملاحظہ کیا اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ہے کہ ایک بہت بڑا ریلا جو تباہی مچا سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے باب الاسلام کی طرف جس طرح کی خبریں تھیں اس میں سے بہت سارا حصہ اللہ کی رحمت سے محفوظ رہا لیکن بہت کچھ ضائع ہوا اور کہتے ہیں کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک تاریخی سیلاب تھا جو بہت بڑی تباہی مچا کر گیا ہے یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے تھے یہ مطلب یوں سمجھے کہ کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں کچھ بھی اور متاثرین کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ بیان سے باہر ہے یعنی دعوت اسلامی تو کیا اس میں اپنا کردار ادا کر سکے گی ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ہم نفسیاتی طور پر ایسا نہ ہو کہ یہ سیلاب آیا اور ہم نے وقتی طور پر ان کا ساتھ دیا اور پھر ہم وہ بھول جاتے ہیں ناقص مشورہ یہ ہے کہ ان کو بھولنا نہیں چاہیے ان کے ساتھ غم خواری کا اور خیر خواہی کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے دعوت اسلامی نے یہ سلسلہ ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے اور ہم آگے تک ان کے ساتھ چلنے کا ذہن رکھتے ہیں کہ ان کے گھروں کی آباد کاری یقیناً ایک بہت بڑا کام ہے اور دعوت اسلامی یہ پورا کام کر بھی نہیں سکتی نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں لیکن ہمیں جس قدر ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے رقوم ملتی رہیں گی اور مخیر حضرات ان کے لیے ہمارے سے رابطہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان کی غمخواری اور خیر خواہی کا سلسلہ جاری رکھ سکیں گے کہ دعوت اسلامی کا صرف یہ کام نہیں ہے دعوت اسلامی کے آپ کے سامنے کے کئی کام ہیں لیکن جب کوئی اس طرح کی آفت آتی ہے عاشقان رسول پر کوئی سی مطلب جس کو کہتے ہیں نیشنل ڈیزاسٹرس قسم کی جو مطلب کہ وہ تباہی جس کو قرار دے دیا جاتا ہے قومی سانحہ اسے کہتے ہیں تو ایسے موقع پر چاہے وہ پاکستان ہو یا پاکستان کے باہر عاشقان رسول کے ساتھ غمخواری کا سلسلہ رہتا ہے جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں میں پتہ چلا کہ وہ بنگلہ دیش کے اندر کئی ایسے عاشقان رسول ہیں جو جن کا تصور میں بھی قربانی نہیں ہے ان کا تصور میں نہیں ہے کہ ہم کبھی قربانی بھی کریں گے بلکہ ہمارے محمد علی بھائی ہیں جو بنگلہ دیش کے اندر رکن شورا ہے ان کا تو کہنا یہاں تک تھا
कि अगर मतलब उनका कहना इस तरह का, अगर मैं कहूँ कि 99% ऐसे हमारे जानने वाले हैं कि 99% जो कुर्बानी करने का जहन मतलब नहीं उनकी पोजीशन, तो शायद गलत नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्लामी भाइयों ने ताउन किया, ये भी गमखारी है, ये भी गमखारी है। यानी सिर्फ ये ना समझा जाए कि ये गमखारी का सिलसिला पाकिस्तान में मौजूद मतलब के दुखियारों के साथ है, नहीं, बांग्लादेश के अंदर जितने भी इस तरह के हमें मैसर आए, जो हमें जानवर मिले वहाँ के लिए, जो कुर्बानियाँ मिली वहाँ के लिए, जो हिस्से मिले वहाँ के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भेजे गए। फिर जो उनके जो फीडबैक मिला, जो उनके तासुरात मिले, वो बयान से बाहर हैं। यानी बास गमजद गम मतलब खुशी के मारे रो पड़े, इनको इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम कभी ज़िंदगी में हम भी कुर्बानी कर सकेंगे। और इनके नाम की कुर्बानियाँ हुई, कितनों के वालिद साहब के इसाले सवाब की कुर्बानी हुई, कितने उलमाए कराम खुश हुए, कितने मतलब कि इस तरह के जो हमारा जो मज़हबी तबका होता है, इनको जब ये तोहफे मिले, क्योंकि अमीर सुन्नत को मिलते हो तो अमीर सुन्नत आगे बढ़ाते रहे, तो ये एक खुशी पाने का, आपने भी इस तरह की काफ़ी खुशियाँ पाने की कोशिश की होगी। और वाकई अगर हम देखते हैं कि हदीस पाक जैसे कहे कि फ़राइज़ के बाद सबसे अफजल अमल अल्लाह के नज़दीक मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना है, और खाना खिलाना ये जन्नत वाजिब करने वाले कामों में से काम है। खाना खिलाना यानी पेट भरना जो है ना, जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मद्दाओं के ऊपर याद करें कि अगर कोई आता तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मरतबा ऐसा होता कि आप अपने उस आने वाले को किसी सहाबी का मेहमान बना देते, और वो मतलब कि इनकी खैरखाई की जाती थी, खाना खिलाया जाता था। तो खाना खिलाना, इस तरह की गमखारी करना, इस तरह की खैरखाई करना, ये हमारे दीन का, हमारे इस्लाम का और सुन्नतों की खिदमत में इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा और एक बहुत बड़ा किरदार है। कि आप किसी को जाकर, अब ये ख़ानदान जो इस वक्त हैं, ज़ाहिर है कि ये जब देखेंगे कि ये एक मज़हबी तबका है, और माशाल्लाह इनके सरों पर अमामे हैं, इनके चेहरे पर दाढ़ी है, और ये नमाज़ें पढ़ते हैं, ये सुन्नतों पर अमल करते हैं, दुख में परेशानी में ये हमारे साथ रहे, हमारे घर वालों की इन्होंने खिदमत की, हम बच्चे हैं लेकिन इन्होंने हमको प्यार दिया, हमको मोहब्बत दी, तो जब ये बड़े होंगे तो ये इस पहचान को गालिबन भूलेंगे नहीं। मुझे वो वाकया याद है, हम गए थे अफ्रीका, और शायद हम नैरोबी की तरफ जा रहे थे, कीनिया, बाय रोड रास्ता तकरीबन 15 घंटे का बाय रोड रास्ता था, कहीं से हम निकले थे, तो चंद कारें हमारे साथ थी और हम बाय रोड, और अब इत्तफाक ये कि रास्ते भी टूटे फूटे थे, कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी था। रास्ते में नमाज के लिए हम एक जगह रुके, मस्जिद थी, क्योंकि अमूमन मुसलमानों की जो आबादियाँ होती हैं वहाँ ये मसाजिद बन जाती हैं, तो एक मुसलमानों का इलाका था, सड़क ज़ेर तामीर थी, वहाँ हमने नमाज अदा की, मुमकिन है शायद 15 के आसपास इस्लाम भाई शायद हम होंगे। और जब बाहर निकले तो बिल्कुल गरीबों का इलाका था, छोटे छोटे तोरा में सड़क, लबे सड़क पर छोटे छोटे से मकान थे, इनके बच्चे जो थे वो हमें देखकर मस्जिद के बाहर आ गए थे, वो छोटे छोटे से बच्चे थे, अफ्रीकन जिस तरह के आप समझ सकते हैं जो मदनी मुन्ने होते हैं, और वो हकीकत ये कि प्यारे भी लग रहे थे और बड़े हैरत की नज़रों से देख रहे थे। वहाँ कुछ रेड़ियाँ खड़ी हुई थी फल फ्रूट वालों की, तो हमारे साथ कुछ ऐसे मुखैर इस्लाम भाई भी थे, तो फिर ये हुआ कि वो हमने वो शायद हो सकता है कि एक सभी जब ठीक ठाक फल खरीद लिए, और हो सकता है कि गालिबन उन्होंने रेड़ियाँ खाली कर दी, हो सकता है वो रेड़ियाँ भी उधर वालों की हों, और ये खाली कर दी, और ये फल फिर हमने इनके बच्चों में तकसीम करने शुरू किए। इनके वालिद भाई वगैरह दूर से घरों के वो दरवाज़ों पर खड़े हुए थे और मुस्कुरा रहे थे, देख रहे थे, कुछ करीब आ गए। अब हम ये सोच रहे थे कि ये मदनी मुन्ने, ये बच्चे जो फ्रूट लेकर जा रहे थे, कोई कीनू था, कोई सेब था, इस तरह की चीज़ें थी, बांट रहे थे। अब हम तो चले गए, हम चले गए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको देर तक ये याद रहेगा कि कोई सब जमाने वाले आए थे और ये हमारे बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत का बर्ताव करके चले गए। ये बच्चे हैं, ये याद रखते हैं, इनको प्यार, इनके साथ हमदर्दी, और ये सारी चीज़ें हमारे दीन ने हमको सिखाई है। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब कहीं से तशरीफ़ लाते और आपके साथ सहाबा किराम अलैहिम रिदवान भी होते, तो वहाँ के बच्चे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हो जाते,
बच्चे आगे आ जाते। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद शफकत फरमाते थे बच्चों पर, और फिर फरमाते हैं कि अपने सहाबा से फरमाते कि इनको सवार कर लो, बच्चों को अपने उस पर सवार कर लिया जाता था, फिर किसी को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ सवार करवा लिया करते थे, और ये शफकत दिया करते थे, मोहब्बतें दिया करते थे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अपने बच्चों को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाया करते थे, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर शफकत मोहब्बत किया करते थे। ये एक अंदाज हमारे दीन का, हमारे इस्लाम का और हमारे मज़हब का रहा है, और हमें यह तालीम और यह तरबियत दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी उन अदाओं को अदा करने की कोशिश करती है। रफ़ी भाई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रफ़ी भाई आप को ईद मुबारक। खैर मुबारक है साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक है। माशाल्लाह आपने इन दुखियारों के साथ यानी सैलाब जदगान के साथ ईद की खुशियां मनाने का की सआदत हासिल की, इसकी भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। हमने रफ़ी भाई यहाँ कुछ मनाजिर देखे, अभी हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन ने भी कुछ मनाजिर देखे, आप मदनी मुन्नों के साथ भी थे, कुछ बड़ों के साथ भी थे, कुछ इज्तिमा का भी सिलसिला रहा, खाने खिलाने पिलाने का सिलसिला रहा। कुछ हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को बताइए कि आपका क्या इस मामले में इस ईद इनके साथ गुजारने का तजर्बा रहा। पहले एक एक करके मैं कुछ सवाल आपसे करूँगा ताकि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन इस मामले में आगाह हो सकें। जी इरशाद फरमाइए। सब अल्हम्दुलिल्लाह ईद बापा के आपके हुक्म पर छोटी ईद आईडीपीज के साथ मनाने की साथ मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस बार आईडीपीज के साथ भी इनके साथ मौका मिला, सलाब जदगान के साथ हाजिर हुई। ऐसा शोरकोर से बहुत दूर एक गांव है, बहुत दुश्वार गुजार रास्ता था, बल्कि वो रास्ता पहले तैयार किया गया, जहाँ पहुंचने का रास्ता भी नहीं था। और ऐसे वहां पहुंचे हैं तो एक अजीबो गरीब सूरत हाल थी, यानी लोग हैरान थे कि यहाँ आप यानी पहुंच गए दाऊद सामी के मदनी काफिले वाले हमारे साथ ईद मनाने के लिए। ऐसा वहाँ हमने घरों में जा जाके वो उनके घरों में जाके भी हाजिरी दी ईद मिलने के लिए, घर पर जाके इस्तेमाल की दावत भी दी, इनको खाने की दावत के लिए गए और ईद मिली जाके। ऐसा वहाँ रसूल की चीजें देखी, बच्चे छोटे छोटे बीमार देखे, वो लेकर आ गए दम करवाने वाला कोई, तो कोई बेचारा दिखा रहे मुझे आंखें खराब हो गई हैं, एक बंदा ले गया बच्चा तप रहा था बुखार से, कमीज फटी उसकी बुरा हाल था करेगा, मकान गिरे हुए ऐसा, और बहुत अजीब व गरीब सोचा था ऐसा वहां जाकर। तो वो इनकी खुशियां वो क्या थी, वो किसी कोई और रंग बन गया था वहां तो ऐसा हमने। नहीं रफी भाई अभी क्या इनकी मतलब क्या इनकी वापसियां नहीं हुई, ये इनके घर बार की तरकीब अभी तक नहीं बनी। ऐसा भी असल में बैठे तो अपने घरों के अंदर ही वही बैठे हैं, लेकिन चूंकि वो छतें गिर गई हैं, मकान गिरे हुए हैं सब, ये लोग कहते हैं हमें तस्वर भी नहीं था कि इस कदर पानी कभी आएगा, क्योंकि पहले कभी आया नहीं पानी, हमारे यहाँ पहुंचा नहीं था, हम तो अपने कहते हैं इसी अंदाज में बैठे हुए थे पानी यहाँ नहीं पहुंचेगा। तो जब पानी आ गया तो फिर वो सब कुछ उनका वो जो था बह गया। अब ऐसा है तो उसी जगह पर बैठे हुए, लेकिन वो मकान तो है छत नहीं है, किसी का मकान तो है दीवार नहीं है, तो यूं ऐसा भी ये सूरत हाल जो है वहाँ उनकी मकानों की बनी है। चंद खेमे देखे हमने, कोई पांच या सात खेमे थे वहां नजर आए, बकिया लोग जो थे उनके पास खेमे भी वो नहीं थे, वो तो बस ना वो क्या कहते हैं वो दरख्तों की छाव तले ही, हमने इजमा भी छत्तर दरख्त के नीचे किया सब, वो जो इजमा था हमारा दरख्त के नीचे था, बच्चे जमा किए जो बड़ों के था इजमा भी, और उनके रहने की जगह भी दरख्त ही मोस्टली वो थे, चंद घरों को था तो उन्होंने वो जो खातीन साई बहनों की उन्होंने बनाई थी जगह, बकिया तो मोस्टली लोग हैं सब जो थे ना वो खुले आसमान तले उनका साथ है। तो अब क्या लगता, क्योंकि अभी अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है अब रफी भाई, और गालिबन सर्दियों की अब आमद का सिलसिला है, अक्टूबर में भी कुछ ना कुछ ठंड आ चुकी है, नवंबर में और ठंड, दिसंबर में और ठंड, तो अब ये विचारों के लिए क्या होगा, कुछ इस मामले में है आपकी कुछ उसमें मंसूबों में? अच्छा वो वहाँ चूंकि बिल्कुल दरिया के करीब आपने देखा होगा, बिल्कुल दरिया उसके साथ ही बह रहा था, वहाँ तो सर्दी शायद और जल्दी आ जाएगी, वैसे भी पंजाब में मौसम तब्दील होना शुरू हो गया है जी, जी। रात में कंदौलिया में कुछ बारिश भी हुई है, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई है, वो हमारे पास आके उन्होंने खुद ये अपना रोना खुद भी रो रहे थे,
कि हमें तो अब ये नजर आ रहा है कि ये सर्दियां आ रही हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे और हम कहाँ रात या दिन का क्याम। बस अभी इनके लिए इस वक्त में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो खाने पीने की, तो खैर वो कुछ ना कुछ शायद चल ही रहा होगा, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए छतों का है अंदर अपने बैठने का, कि सर्दी के आमद से पहले फिर उनके बच्चे और जो जो सूरत हाल है ये वाकई परेशान कुन है। छत नहीं है इनके घरों की, दीवारें गिर गई होंगी, छत गिर गई होगी, दरवाजे टूट फूट का शिकार हो गए, तो अभी इनके पास जराए आमदनी का भी तो मसला होगा रफी भाई। जी हाँ सब जराए हम तो जाहिर है कि वो फसलें जब नहीं है और कारोबार बंद हो गया है, जो जहाँ से आना था वो भी बंद है और जो पहले था वो लूट गया है, मेरे पीछे था सब यूँ समझिए आने वाला दरवाजा बंद हो गया है और आगे जो था वो बह गया है, ये सूरत ऐसा उनकी है। और खर्च यहाँ करना वो रास्ता खुल गया है, खर्च करने का रास्ता खुला हुआ है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेडिकल की क्या पोजीशन है रफी भाई? बीमारी की सूरत में परेशान है कि इलाज पर पैसा कहाँ से लगाया जाए, खाना तो वो कहाँ से खाया जाए, और सर्दी है तो उसके लिए कपड़े कहाँ से लिए जाए, छत है तो वो कहाँ से, ये इस तरह की बहुत सारी जमा होगी इनकी वो परेशानियां है सरना जी। नहीं तो पीछे से फरावानी की क्या पोजीशन है इनके लिए, इनके लिए सहूलियात मुहैया होने की क्या सूरत हाल है? सूरत हाल क्योंकि ये जितने दूर गांव है सब वहाँ सहूलियात देने वाले की जाने का ना लोगों का रुझान बहुत कम है, यानी ऐसे इलाके जो दूर दराज हैं और जो बिलखसूस जहाँ रस्ते कम हैं वहाँ जाने का भी ना वो रुझान बहुत कम है मुखय्यर हजरात का, उनको सहूलियात भी ना मिलने के बराबर है। रफी भाई जरा सा मैं मदनी चैनल के, रफी भाई मदनी चैनल के नाजरीन से अगर आपकी इजाज़त हो तो चंद मदनी फूल अर्ज करूं। मदनी चैनल के नाजरीन, अभी रफी भाई हमारे साथ और टेलीफोन लाइन पर ही हैं, अगर हमारे साथ इस वक्त चैनल पर ऐसे मुखय्यर इस्लामी भाई हैं जिनको अल्लाह ताला ने वसअत दी है, तो बराए करम हम नहीं कहते कि आप हम ही को दे दें, दावत इस्लामी ये काम कर ज़रूर रही है और हमारा अकाउंट भी बना हुआ है, हमारे जिम्मेदारान ये काम कर भी रहे हैं, एक हमने इसका शोभा अलग बना दिया, दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले, मदनी इनामात, हफ्तावार इजतिमाआत और अल्लाह के द्वारा बरा नेकी की दावत, तो दुनिया भर में बहुत सारा मतलब मदनी काम है, लेकिन ये एक हमारा शोभा है गमख्वारी दुखियारी उम्मत के मजलिस बरा ये दुखियारी उम्मत की गमख्वारी करना, तो ये एक हमारा शोभा है। आप अगर चाहें तो इस शोबे से वाबस्ता जो इस्लामी भाई हैं आप इनसे रब्ता करके इन्हें दे दें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमें दें। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर अल्लाह ताला ने आपको वसअत दी है और अभी तो ईद से आप फारिग हो गए तो आप खुद एक चक्कर लगा लीजिए, चक्कर लगा लीजिए और जाकर देख लीजिए कि कहाँ कहाँ किस किस को ज़रूरत है, आप अपने हाथों से देख लीजिए, एक एस्टिमेट आप बना लीजिए कि यार इसका घर बेचारे का बन जाएगा 15-20-25 हज़ार रुपये, चलो खर्चा होगा ये लीजिए 15-20-25 हज़ार रुपये बना लीजिएगा, अब दे कर भूल जाइए। देखिए आप किसी को देना चाह रहे हैं, उसकी मदद करना चाह रहे हैं, आप जाकर मतलब के ऐनुल यकीन कर लेंगे कि हाँ यार इनको ये प्रॉब्लम है, इसका ये प्रॉब्लम है, या इसका ये प्रॉब्लम 15 हज़ार में ख़त्म हो जाए, इसका प्रॉब्लम 20-25 हज़ार में ख़त्म हो जाएगा, यार इसके इस मसले को 50 हज़ार रुपये चाहिए, तो ये 15-20-25-50 हज़ार रुपये में गालिबा इनके लिए एक ठीक ठाक एक बेकअप हो जाएगी। अब देकर भूल जाए, आप बोलेगा इसने यूँ कर दिया, उसने यूँ कर दिया, ना इधर लगा दिया उधर लगा दिया, आपने जिस नीयत से अल्लाह की रज़ा के लिए दी होगी अब अल्लाह की रहमत पर नज़र है कि आप अपने सवाब को खड़ा कीजिए, वरना यूँ मुड़ कर देखते रहेंगे तो आपको शायद उससे तो प्रॉब्लम हो जाए, कि किसी को आप मिसाल के तौर पर किसी को आप पैसे देकर चले गए कि इसने आपने कहीं छत बना ले, आपके जाने के बाद पता चला गया जनाब इसके साथ और प्रॉब्लम हो गया, तो उसने वो पैसे जो हाथ में थे हो सकता है इसने किसी और जगह लगा, लेकिन इसने अपनी ज़रूरत के लिए खर्च कर लिया होगा, आपको उसकी मदद करने का सवाब पर आप नज़र रखें। ये मैं आपको एक मतलब फूल अर्ज़ कर रहा हूँ कि अमूमन आज मुड़ कर इतना देखते हैं खर्च करने वाले कि फिर इनको अजीब सी वसवसे और बेचैनियाँ हो जाती हैं और बेचारे बहुत सारे ये राह खुदा में खर्च करने से रह जाते हैं, तो थोड़ी वो यकीन दहानी कर ले नॉर्मली तौर पर, तो ये है या दावत इस्लामी को दे दें, मगर आप जाकर इन उजड़े हुओं को ठिकाने लगाएं, इनके घर बसा दें, इनके बच्चों को आबाद कर दें, इनके पास कपड़ों के मसले होंगे, लेकिन हमें कपड़े या कोई चीज़ नहीं चाहिए, हम सिर्फ दावत इसने वाले नकद रकम लेते हैं। रफी भाई ऐसा ही है जी? ऐसा अमल दुरुस्त फरमाया ऐसे ही है सर, क्योंकि जी रफी भाई फरमाइए। ऐसा मैं ऐसे करना चाहता था माशाल्लाह, जैसे आपने फरमाया कि कोई खुद बजाते खुद जाके रकम खर्च करना चाहे
या कोई किसी और जरिए से खर्च करना चाहे, सब दुरुस्त है साहब। दावत इस्लामी में जो अल्लाह की रहमत से बापा के सदके से और आपने जो हमें तंजीमी एक अंदाज दिया हुआ है साहब, इसमें शरई तौर पर भी देखा जा रहा है और फिर हमारा तकरीबन मैं समझता हूँ कि हर जगह पर नेटवर्क तकरीबन मौजूद अल्लाह की रहमत साहब सामने के हम सब अब यहाँ गए वो बिल्कुल एक दूर दराज था। इसके बावजूद है सब तकरीबन जो हमारा इज्तम था आपने देखा बहुत बड़ा इज्तम था सब जो लोग आए थे वहाँ पर, उसकी वजह से भी ये कि हमारा नुमाइंदा हमारा दाऊद स्वामी का वर्कर जो है वो अल्लाह की रहमत हर जगह मौजूद बैठा है, वो ये भी देख लेता है कि कौन हकदार है, क्योंकि असल ऐसे मौके पर एक और सूरत हाल भी होती है बात वहाँ कुछ शख्सियात भी आई थी ऐसा वो बता रहे थे कि ऐसे लोग भी बात घुस आते हैं कि जो हकदार नहीं होते यानी जो लूटने वाले समझ उस अंदाज में, लेकिन दाऊद स्वामी की वो खुद तारीफ कर रहे थे कि दाऊद स्वामी का अंदाज है चूंकि इनके पास हर जगह नेटवर्क मौजूद है तो यूं हकदार तक पहुंचना बहुत ना अच्छा आसान तरीका दाऊद स्वामी। आपकी बात दुरुस्त है रफी भाई, लेकिन ये कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यार ये चलो ये अब तंजीम तंजीम, तो हकीकत ये है कि ये हम हमारा बेसिकली हम इसका दावत इस्लामी की मतलब जो बेसिकली ये काम हमारा वो हिस्सा नहीं है, तो लेकिन जाहिर है कि जब उम्मत तकलीफ में आएगी तो दावत इस्लामी हरकत में तो आएगी, तो अब जैसे कि ये मतलब कि ये इनका नॉर्मल से पोजिशन हो जाएगी तो अब हमारा ये मामला क्लोज हो जाएगा और हम अपने जो रेगुलर जो डे टू डे के जो मदनी काम होते हैं हम इसमें मसरूफ़ हो जाएंगे। अल्लाह ताला मजीद आफतों इस तरह की परेशानियों से हमें महफूज फरमाए। कश्मीर की तरफ आया आपके सामने सैलाब, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के इस्लामी भाई जो हिंद वगैरह में थे दीगर जगहों पर थे इन्होंने पूरी कोशिश की कि इनके साथ तरकीब बनाई जाए, तो ऐसा मतलब कि दुनिया भर में जहाँ भी आशिकान रसूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होनी भी चाहिए कि हम उनके साथ ताउन करें तो इनको पार लगे। आप इनके बारे में रफीबत और अपडेट कर दें हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को कि किस अंदाज से इनको अभी खास खास जरूरत है, किन चीजों की लगती है। हसन मैंने जो देखा है वहाँ मेन बुनियादी चीजें है सर, एक तो है उनको सर्दी के लिए बचाने के कपड़े, असल ये आप देखा था मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जमा थे मेरे आसपास जी जी, लेकिन जरा दिखाइएगा चैनल पर भी जी, आप फरमाते रहिए। तो असल एक तो बुनियादी जो उनको सर्दी से बचाने कपड़े और एक है सब उनके मकान जो है वो खड़े करना, ये दो बुनियादी चीजें हैं और बाकी तो उनको मेडिसिन की भी हाजत है, लेकिन ये बुनियादी चीजें सर्दी से बचाने के लिए कपड़े और हिसाब ना वो जो है अपना उनके मकानात में कुछ ना कुछ मदद किए जाके दीवार खड़ी हो जाए किसी छत पे कुछ ना कुछ वो आ जाए, ये बुनियादी हाजत चीजें उनकी मैं समझता हूँ जो मैंने देखा है घरों में जाके उनके पूछा भी है बता भी रहे थे बेचारे का हमारा ये है अगर कुछ हो जाए तो हमारे छत पड़ जाएगी ये हो जाए हमारी दीवार खड़ी हो जाएगी पर्दा हो जाएगा ये हो जाएगा तो हमारे बच्चे कपड़े आ जाएंगे। ये भी हो सकता है कि वहाँ को मोबाइल मेडिकल भी घूमती रहे रफी भाई, ये क्योंकि हाँ क्योंकि इनके लिए अब अस्पताल हर इलाके में इनके लिए अस्पताल कहाँ से आएगा और हर जगह इनको डॉक्टर कहाँ से दस्तियाब होगा, सवारियाँ इनकी चली गई इनकी मतलब कन्वेंस इनका शायद ख़त्म हो गया होगा, बहुत परेशान हुई परेशानी तो समझ में आता है हमारे घर में मतलब कि वो सिर्फ मतलब बेसन लीक हो जाए तो हमारे को तकलीफ हो जाए और मतलब वो अंडरस्टूड सी बात है बाथरूम भर जाता है तो हमारे को मतलब कि वो नींदे उड़ा देता है और छत टपकना शुरू हो जाए तो मसला ही पता समझ नहीं आता कि इसका हल क्या निकालेंगे। अब छत टपके तो तकलीफ हो जाए, जिनकी छत ही उड़ गई तो उनका क्या होता होगा, जेब में मतलब के पैसे कम हो बच्चा बीमार हो जाए तो उसको कहाँ से मतलब कि मेडिकल का इलाज करवाया जाएगा, दवाएं महंगी। अब मसला ये ना कि ऐसे मौके पर जो मुनाफा खोर किस्म के लोग होते हैं वो भी तो फिर अपना मुंह फाड़ते हैं ना कि यार चलो ये ज़रूरतमंद आए अब तो ये मतलब अब ये जैसे कि ये आपने जब छेड़ तो दिया कि इनको सर्दी से बचने के लिए तो ये मुनाफा खोर किस्म के जो लोग होते हैं ये खैरख्वाही उम्मत के तहत अपनी कीमतें कम करने के बजाय और ख़ुद अपना हिस्सा मिलाने के बजाय ये अपने सामान की कीमत बढ़ा देंगे कि यार चलो अभी अब चंदा इनका तो चंदा ही मिला है ना, ये हमारे बारे में बातों का सोचते हैं कि यार इनको तो चंदा मिला ना कौन सा इनको जेब से देना है, अरे भाई हमको चंदा मिला है लेकिन लोगों ने हम पर भरोसा किया है हम पर एतमाद किया हम उठा कर पैसे को आपके लिए थोड़ी चंदा किया था कि आपके नफ़े के अंदर हम पैसे डाल देंगे। अल्लाह ताला आपको मतलब के तौफीक नसीब फरमाए, ठीक है अगर आप नुकसान करके नहीं बेच सकते कि यार मतलब के लाख रुपया नुकसान किया और लाख रुपए आपने अपने वो पर्सनल अकाउंट से डालकर दुकान को नुकसान से बचा लिया यही करें, लेकिन अगर बिलफर्ज के आप नुकसान नहीं कर सकते ये तो हो सकता है कि आप नफा ना लें, 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये में दे दीजिए, 100 रुपये की चीज़ चले 105 में दे दीजिए, जब आप 150 रुपये की जो बेचते थे
और 100 की चीज पर 50 रुपये आप नफा खाते थे, नफा मतलब के नफा लेते थे, तो 150 के बजाय 10 रुपये नफा ले लीजिए, आखरत के लिए कोई काम कर लीजिए, इंशाल्लाह तबारक व ताला मदीना मदीना हो जाएगा, इनकी काफी मदद हो जाएगी, ये भी तो हो सकता है, क्या कहते रफी भाई? ये शक़ साहब। अच्छा रफी भाई, फिर आप आईडीपीस की तरफ भी गए थे? जी हम सब अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अर्ज करता हूँ रफी भाई, पहले हम अगर आपकी इजाजत हो तो हम आईडीपीस के साथ जो आपका मामला रहा हम उसकी वीडियोस दिखा दें, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे वो मदनी पुल भी लेंगे, इजाजत हो तो। आप साथ रहिए हमारे पास टेलीफोन लाइन पर, आईडीपीस के मुतालिक दिखाइए। मीठे मीठे सांबी और मदनी चैनल के नाजरीन, अभी आ चुके ईद है और ईद बिलखसूस बच्चों की ईद होती है, तो ये नियत थी कि बच्चों के साथ हम ईद मनाएं। तो ये हमारे शमाली वजीरस्तान के आशिकाने रसूल आईडीपी जो हैं, इनके छोटे छोटे मदनी मुन्ने मुन्नी आए हुए हैं, नियत है कि कुछ देर इनके साथ बैठते हैं, इनसे कुछ दुआएं भी सुनेंगे इंशाल्लाह, इनकी दिलजोई भी करेंगे और दुआएं सुनाने वालों को, कलमा शरीफ सुनाने वालों को इंशाल्लाह तहाइफ देंगे, और बाकी भी इनके लिए इंशाल्लाह के रहमत से हमने इंतज़ाम किया है इनके लिए खाने पीने का, वो भी इंशाल्लाह इनको पेश किया जाएगा ताकि ईद की खुशियों में ये भी शामिल हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। छोटे छोटे मदनी मुन्ने ठीक हैं आप सब? माशाल्लाह। पहला कलमा शरीफ किसको आता है? नहीं, जो जिसको आता है वो हाथ खड़ा करे, जिसको आता है जिसको आता होगा उसको तोहफा मिलेगा। अच्छा कौन सुनाएगा? आप सुनाए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। पहले इसमें सुनाए अवला कलिमा तो है भाई ला इला इल्ला हु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, इस मदनी मुन्ने ने पहला कलमा शरीफ सुनाया, अभी इसको इनाम देते हैं, अभी आपको इनाम, आपके लिए ये इनाम। माशाल्लाह, और कौन सुनाएगा पहला कलमा शरीफ? जी आप सुनाएं, आप बड़े हो गए हो, आपको आता है पहला कलमा शरीफ? बिस्मिल्लाह शरीफ आती है? आए आए आए, माशाल्लाह जल्दी दिया है, जल्दी दिया है। सुनाए ऊंची, सुनाए ऊंची आवाज है, जोर से बोले जी। ये मदनी मुन्ने को बिस्मिल्लाह आती है, कलमा शरीफ भी आता है, इसको कलमा शरीफ भी आता है, इसको बिस्मिल्लाह शरीफ भी आती है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, इसको भी इंशाल्लाह इनाम देते हैं, इंशाल्लाह इनाम लेना है, इनाम भी देते हैं इसको इंशाल्लाह, आपको भी इनाम। आपको क्या आता है? पहला कलमा शरीफ आता है, ये पहला कलमा शरीफ मदनी मुन्ने सुनाएगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, इस मदनी मुन्ने ने पहला कलमा शरीफ सुनाया है, सुभानअल्लाह। आपको क्या दें? इनाम दें? अच्छा ये आपको इनाम, ये कुर्बानी क्यों करते हैं कौन बताएगा? कोई बता सकता है कुर्बानी क्यों करते हैं? आपको क्या पता है? ईद तीन दिन है, कितने दिन ईद होती है? आप कितने कहते हैं? पांच। आप कितने कहते हैं? दो दिन बाद। जवाब दुरुस्त नहीं है अभी, दो वाला का जवाब भी दुरुस्त नहीं है। आइए तो कुर्सी भी आता है, किसको आते हैं? अच्छा माशाल्लाह, आपको क्या आता है? क्या आता है जी, सुनाए क्या आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मदनी मुन्ने ने भी कलमा सुनाया, अभी इसको भी तोहफा देते हैं अभी। ए आपके लिए तोहफा, माशाल्लाह। दूसरा कलमा किसको आता है? दूसरा कलमा जिसको तो हमें, अच्छा चले आप सुनाएंगे दूसरा कलमा, सुनाएंगे इधर मुकर रहे अब, चले शाबाश ना बोली, चलो शाबाश सुनते जी, सुनाए। हाय, एक मदनी मुन्ने दोपहर के थे हैं, कैसे सज धज कर और बड़ी मतलब के तरकीब के साथ
और वहाँ पर अपने बड़ा जहन बना कर इनको यहाँ भेजा होगा। और एक बेचारे मदनी मुन्ने ये भी हैं, हमारे ज़्यादातर ये हमारे पठान इस्लामी भाइयों के चश्मो चराग हैं, ये पठानों की समझे आने वाली नस्लें हैं। और ये बेचारे इस वक्त रमज़ान मुबारक से ही बेघर हुए हैं। जी रफ़ी भाई क्या कहते हैं आप, क्या सूरत हाल रही वहाँ? हाल तो अगर हम डीपली देखें तो ये तो सैलाब तो परेशान है, क्योंकि अब ईद का मौका था, ये दूसरी ईद इनको ऐसा घर से बाहर हो गई इन बेचारों को ना। और जी हाँ, ईद उल फितर, ईद उल फितर भी बाहर थी। दाऊद इस्लामी के माहौल की बरकत है, आपने वो शफकत फरमाई, आपकी वो कोशिश है, इनके लिए हमने ईद का इस्तेमाल किया था। ये कट कट कर आ रही है आवाज हमें रफी भाई की। अच्छा, कोई ईद पर गोश्त होता है तो गोश्त, स्वीट होती है स्वीट, बच्चों खाने की चीजें तो वो खाने की चीजें, ईदी असल बच्चों के लिए बड़ों के लिए खाने और गोश्त खिलाया भी पका के घर वालों के लिए भी दिया इनको। अच्छा, तकरीबन जो घर में जरूरत होता है ना ईद के मौके पर, हमने वहां इनको मुहैया करने का कोशिश किया के रहमत से, बन्नू में भी की और सब यहाँ पर भी हो लक्की में भी, और उसके इतराफ भी वहां माशाल्लाह मैंने बकायदा गाड़ी चलाकर उनको बुला लिया था, इनको हमने इस खुशी में शामिल कराया। तो आपने ये एक खूबसूरती, आपको मैं यहाँ बताऊँ वो खूबसूरती ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ दावत इस्लामी इनको नकद रकम दे रही है, ये दावत इस्लामी का तो मैं बार बार आपके सामने नाम ले रहा हूँ, एक तहरीक है, लेकिन जो उनके साथ हो रहा है अब उसको फोकस कीजिए। इन्हें इस वक्त सिर्फ इस बात की हाजत नहीं है कि इनको रकम मिल जाए, इनको अनाज मिल जाए, इनको कपड़े मिल जाए, साथ साथ इनको इस बात की हाजत भी है, और हर मुसलमान को इस बात की हाजत है, ख्वाह वो खुशहाली में हो या वो बेचारा बदहाली में हो, कि उसकी शरई रहनुमाई की जाए, उसको मतलब के जनाजा, गुसल, कफन, नमाज, रोज़ा वगैरह वगैरह जो इबादात हैं वो बयान की जाए। अब आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह ये मदनी मुन्नों के साथ इनको कलीमा याद भी करवाया जा रहा होगा, रफीबा इनको कुछ सिखाया भी जा रहा होगा वहाँ पर सुनने के साथ साथ। जी जी हजी साहब, अल्लाह की रहमत से सब हमारे वहाँ इनके सीखने सिखाने का सिलसिला है, हमारा जावा जामियातुल मदीना लक्की में हमने बिलखसूस इनकी आमद पर शुरू किया, वरना शायद इस साल शुरू ना हो पाता हमारा ना, इनकी आने की वजह हमने जल्दी शुरू किया। और असल इनके बड़े जो है हमारे साईं भाई, उनके लिए बाकायदा मदनी काफिलों की हमने सूरत बनाई है, असल तरबियतगाह इनके लिए बनाई है, ये वहाँ हमारे तकरीबन हर तीसरे दिन एक शहर से मदनी काफिला वो सफर करता है, वो वापस दूसरे शहर से आ जाता है। पिछले माह सब तकरीबन 400 से जायद इन आशिकाने रसूल ने मदनी काफिले में सफर के साथ हासिल किया था, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और अभी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह आपको सुनकर खुशी होगी, हमने इनके तरबियत की कोर्स